भाई कुत्ते ने गंदा डरा दिया पता है मेरे को। मैं कुत्ते की तरफ जा रहा था और कुत्ते ने मेरे को देख के ऐसे स्माइल करा क्रीपी सा। हेलो पीपल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। एंड सो सॉरी, कल का व्लॉग हम एंड नहीं कर पाए क्योंकि थलासा से वापस आते समय कुछ हमें 12:30 बज चुके थे, तो काफ़ी थक से गए थे। वी वोक अप एट अराउंड अबाउट 10 एंड उसके बाद हम लोग जाके ब्रेकफास्ट किया एज इट इज़। कल जैसा काफ़ी अमेजिंग ब्रेकफास्ट था। एंड उसके बाद हम लोग निकले हारविलम वाटरफॉल्स के लिए। हमारे होटल से द वाटरफॉल इज़ अराउंड अबाउट कुछ 1.5 घंटे का वाटरफॉल था, लेकिन वहाँ से आते समय हमें उस मतलब उसकी तरफ जाते समय होटल से हमें ये एक बहुत सुंदर सा स्पॉट दिखा। खाली है, कोई भी नहीं है, हल्की हल्की सी रेनिंग भी मतलब बारिश भी चालू हो चुके थे, काले बादल तो आप देख ही रहे हैं। एंड यहाँ पर पीछे एक पता नहीं काफ़ी क्रीपी सी कोई सी जगह है, जागे जाने की मिल नहीं रही है। मानिक तैयार हो नहीं रहे जाने के लिए, उन्हें जाके ज़रूर देखते हैं क्योंकि काफ़ी सुंदर सी और पता नहीं एक क्रीपी हॉन्टेड टाइप फीलिंग आ रही है, लेकिन काफ़ी सुंदर जगह, अनएक्सप्लोर्ड जगह है बिल्कुल। और दिखाते हैं आपको कि हाउ द प्लेस इज लुकिंग। और यहाँ अगर आए तो मैं डालूंगा कि ये एग्जैक्टली जगह है कौन सी, तो यहाँ ज़रूर आना। एंड यू कैन, इट्स क्वाइट कोजी एंड ब्यूटीफुल सा पिकनिक स्पॉट। सो या बहुत ज़्यादा भाई, मास्क क्यों पहन गया? मास्क, कोरोना चल रहा ना। हमारे काफी गाय थके कल हम लोग आ गए थे, ऑलमोस्ट 12:30 तो बजे गए थे जैसे बताया। तुम्हारे काफी गाय थक चुका, कुछ भी नहीं था, तेरे पता है गाड़ी तेरे को चलानी। हाँ हाँ पता है भाई, आपको देखो नींद है साथ भाई। लोग तो ये बोलेंगे मास्क पहन के जाओ। नहीं तो हम तो करवा चुके ना वैक्सीनेशन, कैसे लग रहा है कि ये गोवा है? नहीं है, कहीं पहाड़ वहाड़ों पे घूम रहे हैं। नहीं, बहुत ही सही रास्ता है यार, बहुत ही अच्छा टाइम है गोवा आने का। मतलब हम लोग कितनी बार गोवा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीचेस पे घूमने के लिए आए। इस बार तो गोवा मतलब मच बेटर काफी अच्छा रास्ता है, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा रास्ता। और मैं तो ऐसे चश्मे के थ्रू देख रहा हूँ, तो चश्मे के थ्रू अगर इसको देखो ना तो क्या सही दिखता है। हम लोग जब मुंबई गए थे याद है? हाँ। तो मुंबई गए थे तब भी तो ऐसे ही रास्ता था। हाँ। गए थे मछेज घाट। हाँ। बड़े बहुत सही रास्ता है यार। नहीं हाँ, नेटवर्क थोड़ी कमी है यहाँ पे। जगह कौन सी है वैसे? पता नहीं, बहुत अजीब सी जगह है, लेकिन अभी भी हमें 38 मिनट्स दिखा रहे रास्ता पहुँचने के लिए, लेकिन रास्ता इतना अच्छा दिख रहा है तो मेरे को लगता है कि जगह तो अच्छी होनी चाहिए यार। क्या देखने जा रहे हैं? रोड पे स्लोप कितना उतर रहा है, पहले चल सकते हैं हम लोग वहां। जाना हमें उस तरफ था और ये रास्ता कहीं से हमें देखा बहुत अच्छा ग्रीन सा रास्ता दिखा, सोचे यहाँ आ जाए। फिर यहाँ आने के बाद देखो पूरा खुला, कोई ना गाड़ी यहाँ ना पीछे भी कोई गाड़ी। और ये रास्ता कहाँ से आता है मैं आपको बताऊँगा, मैं आपका देखते, लेकिन काफ़ी अच्छा सुंदर से देखा। सो हम सोचे कि अब ये जो ऑफ रोडिंग वाला रास्ता दिख रहा है ना, ये सारे रास्ते पर जाने का सोचे, गाड़ी चले तो जाने का, तो देखते हैं।
सारी जगह तो कोई है ही नहीं आसपास, कहीं आ जाओ कोई नहीं। और यहाँ से ना एक ये कुछ पता नहीं क्या है, हॉन्टेड सा है, कैसा सा है, कोई भी रास्ता नहीं है, बड़ा क्रीपी सा लग रहा है। ये सोच रहे चल के देख के आए, माने चलेगा? नहीं 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 चलना नहीं भाई, एक बार ये रास्ता अगर मतलब जूते तो हमने पहन रखे हैं लेकिन पता नहीं ना कैसा है। बस यहाँ माने के ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ना हो गाड़ी में पंचर या कहीं कुछ ऐसा ना हो। अगर हम इस जगह को देखना चाहें, कभी आना चाहे तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर अल्डोना करके जगह है, ये यहाँ आ सकते हैं। मेरे ख्याल से अल्डोना इस जगह का नाम होगा। छोटी सी रोड आती है, बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर लगता नहीं है कि वो है। आके आने का मज़ा ही ये है, हम लोग आए और हमें निकले हुए वहाँ से जहाँ पिछली वाली अभी हम लोग जगह देख रहे थे उसका, हमें वहाँ से निकले हुए कुछ 5 मिनट ही हुए होंगे और फिर यहाँ पर आए और फिर इतनी ब्यूटीफुल जगह दिखी हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ। पीछे एक अनऑपरेशनल वो भी है, क्या कहते हैं, रेलवे ट्रैक, तो हम देखते हैं अगर रेलवे ट्रैक पे देख पाए, अगर वहाँ पर कुछ पता कर पाए। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ये अच्छा लगता है कि जब हम लोग अपने गाड़ी से अपने हिसाब से, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, अगर आते हो गोवा तो ये हार्विलम वाटरफॉल्स की तरफ मतलब जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि ज़रूर आओ। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं, हल्की सी ह्यूमिडिटी है इसलिए आप देख रहे हो बहुत पसीना भी आ रहा है, लेकिन ये चीज़ चुके हम लोग हार्विलम वाटरफॉल, बहुत अमेजिंग सा रास्ता था एंड टुक अस राउंड अबाउट वॉट मेरे ख्याल से 45 मिनट्स लगे जहाँ से हम लोग लास्ट टाइम मतलब जहाँ अभी रास्ट रुके थे वहाँ से 45 मिनट्स एंड अंजुना से अराउंड अबाउट 1 आवर 15 मिनट्स का रास्ता है अगर आप लोग बिना रुके हैं। हम लोग तो इतनी जगह रुकते रुकते आए तो हमें तो ऑलमोस्ट दो घंटे लगे, लेकिन हमारे प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। हमने देखा है यहाँ पर आगे जाके एक सुरला वाटरफॉल भी जगह थी, तो शायद अब ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है और बारिश का भी सभी मौसम हो रहा है, तो हम लोग शायद सोच रहे हैं, मानिक बोल तो रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग चले जाएँ उस तरफ भी, लेकिन अभी देखते हैं। हम लोग उतर चुके हैं यहाँ पर, देखते हैं कैसा ये वाला वाटरफॉल कैसा है। हार्विलम वाटरफॉल इस जगह का नाम है और यहाँ से हम लोग आए, कुछ कुछ थोड़ी बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं, ज़्यादा तो गाड़ी नहीं है। वाटरफॉल की आवाज़ आनी अभी से चालू हो चुकी है, देखते हैं, सुंदर रास्ता लग रहा है।
में हम लोग, और ये रास्ता है, दिस इज द व्यू यू गेट फ्रॉम हियर।